हेलो फ्रेंड्स, आज फिंगर स्टाइल गिटार में हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग सीखने जा रहे हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बहुत ही पॉपुलर नंबर है और बहुत फास्ट भी है, तो ये फिंगर स्टाइल पे बहुत अच्छा बजेगा, इसलिए मैंने इसका ट्यूटोरियल तैयार किया है। तो पहले एक डेमो देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ये सॉन्ग कैसे बजेगा। देखते हैं सॉन्ग बजेगा कैसे। तो ये सॉन्ग हम जी मेजर स्केल पर प्ले कर रहे हैं और मैंने कैपो लगाया था सेकंड फ्रेट पर, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको जी मेजर से ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं नोटेशन क्लियर कर देता हूं। इसमें लोअर और मिडिल ऑक्टेव दोनों ही प्ले होंगी और कुछ नोट्स अपर ऑक्टेव के भी होंगे, वो जब होंगे तो मैं बता दूंगा। हम अपनी लोअर ऑक्टेव यहां से शुरू कर रहे हैं, जी नोट से, ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट से, मतलब सिक्स नंबर स्ट्रिंग के थर्ड नंबर फ्रेट से। तो ये ले रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो नी है ये कोमल लग रहा है इसमें। उसके बाद मिडिल ऑक्टेव यहां से शुरू हो रही है, सा रे गा मा पा धा नी और सा रे गा मा। ये अपर ऑक्टेव के नोट्स हैं, वो जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें हमें क्या करना है कि जब हम सेकेंड स्ट्रिंग पर कोई भी नोट प्ले कर रहे हैं तो उसके पीछे वाली स्ट्रिंग हमें थर्ड साथ में बजानी है। जैसे हम ये नोट्स प्ले कर रहे हैं, नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा रे मा गा सा रे मा गा सा पा नी सा सा नी। जब हम नी लेंगे तो यहां पर हम एफ मेजर कॉर्ड लगा देंगे। ये जो डी शेप कॉर्ड है, अगर इसको हम फिफ्थ फ्रेट से बजा दें तो ये एफ मेजर हो जाता है। बस इसमें हमें अपनी फोर्थ फिंगर यहां पर सेट करनी पड़ती है। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थोड़ा और स्लो में देखते हैं, नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा रे मा गा सा रे मा गा सा। तो जब भी सा आ रहा है तो हम ये जी मेजर कॉर्ड ले रहे हैं और सेकंड स्ट्रिंग से पीछे की तरफ खींच दे रहे हैं, जिससे जी मेजर कॉर्ड कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, पानी सा सा
और पा बज रहा है तो पानी सा सा नी, तो नी पर हमें क्या करना है, एफ मेजर कॉर्ड लगा देना है। ये जो डी शेप है अगर हम इसको फिफ्थ फ्रेट से बजा दें तो ये एफ मेजर कॉर्ड हो जाता है और फोर्थ फिंगर अपनी यहाँ पर हम सेट कर देंगे, जिससे हम चारों स्ट्रिंग प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज हम केवल तीन स्ट्रिंग बजाएंगे अगर हमने फोर्थ स्ट्रिंग नहीं दबाई है। तो पानी सा सानी, जब भी हम सेकंड स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं तो उसके पीछे वाली स्ट्रिंग साथ में प्ले कर रहे हैं। पानी सा सानी मा मा गा पा, तो मा मा गा बजाते समय फोर्थ स्ट्रिंग पीछे वाली बजेगी मा मा गा और पा पर जी मेजर कॉर्ड कंप्लीट कर देंगे। पा बज रहा है हमारा सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर, या फिर थर्ड स्ट्रिंग पर भी इसको हम बजा सकते हैं, सेवेंथ नंबर फ्रेट पर, बट अभी हम यहां बजा रहे हैं। पानी सा सा नी एफ मेजर कॉर्ड मा मा गा पा मा मा गा पा पानी सा सारे। ये नोट जो है ये अपर ऑक्टेव कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड स्ट्रिंग का टेंथ फ्रेट बज रहा है। तो पानी सा सारे नी सा पानी सा सारे बजा रहे हैं हम जी मेजर पकड़कर फोर्थ स्ट्रिंग पर मा मा गा रे सा। पूरी लाइन देखते हैं, पानी सा सा नी मा मा गा पा, फिर पानी सा सा रे नी सा मा मा गा रे सा। तो अब जब ये थोड़ा स्पीड में बजेगा तो कैसा आएगा, एक लाइन कंप्लीट हुई। अब इसके आगे की लाइन आती है पा पा गा मा गा पा 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 गा मा गा सा पा पा गा मा गा सा सा गा गा सा। तो ये वाला जो गा लगा ये गा कोमल लगा था, इसके आगे शुद्ध गा बचता है, तो अब की बार ये वाला गा लगा था। फिर से देखते हैं पा पा गा मा गा सा, तो पा बज रहा है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट और मा बज रहा है हमारा सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट और गा बज रहा है ओपन और उसके पीछे ओपन स्ट्रिंग थर्ड सा है। तो पा पा गा मा गा पा 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 गा मा गा सा, तो इसमें सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग पर ही सारे नोट बज रहे हैं। पा पा गा मा गा पा 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 गा मा गा सा पा पा गा मा गा सा सा गा गा सा। तो जब हम गा ले रहे हैं तो हम बी फ्लैट कॉर्ड ले ले रहे हैं और थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट कोमल गा है, जिसको हम फोर्थ स्ट्रिंग के सपोर्ट से बजा रहे हैं। मतलब बी फ्लैट कॉर्ड जब हम पकड़ लेंगे तो फोर्थ स्ट्रिंग को भी साथ में बजाएंगे गा गा सा। फिर से देखते हैं स्लो में पा पा गा मा गा पा 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 गा मा गा सा पा पा गा मा गा सा सा गा गा सा। उसके बाद ये लाइन कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। पानी सा सा नी नी पर एफ मेजर मा मा गा पा, तो पा हम फोर्थ स्ट्रिंग ओपन भी प्ले कर सकते हैं, फिफ्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट भी प्ले कर सकते हैं। पानी सा सा नी, तो पा हम बजा रहे हैं फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, नी बजा रहे हैं थर्ड फ्रेट पर और सा बजा रहे हैं फिफ्थ पर। तो पानी सा सा नी, जब हम सा बजाएंगे तो पीछे ये फिंगर लगा लेंगे और डबल स्ट्रिंग बजाएंगे, और जब हम नी बजाएंगे तब भी डबल स्ट्रिंग बजाएंगे और ये पीछे फिंगर लगा लेंगे। यहां पर एज ए जी मेजर बज रहा था और यहां पर ये एज ए एफ मेजर बज रहा है। तो पानी सा सा नी मा मा गा पा, पा बज रहा है फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, पानी सा सा रे नी। अब की बार हम रे खींच देंगे, ये लाइन टू टाइम्स है, एक बार बजेगी पानी सा सा नी मा मा गा पा, नेक्स्ट टाइम पानी सा सा रे नी मा मा गा रे सा। तो सा बजा रहे हैं हम सिक्स नंबर स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर, एक बार फिर से देखते हैं स्पीड में कैसे बजेगा। पानी सा सा नी मा मा गा पा पानी सा सा रे नी मा मा गा रे सा।
यहाँ पे लाइन कंप्लीट होती है। अब हम पिछली लाइन से कंटिन्यू करते हुए आते हैं, पा पा दा मा दा पा, पा पा दा मा गा सा, पा पा दा मा गा सा सा दा गा सा, पा पा दा मा दा पा, पा पा दा मा गा सा, पा पा दा मा गा सा सा दा गा सा, पा नी सा सा नी मा मा गा मा, पा नी सा सा रे नी मा मा गा रे सा। यहाँ पर मुखड़ा एंड हो जाता है। इसके बाद एक कोरस लाइन आती है जिसमें कुछ ऐसे बज रहा होता है, गा मा गा सा नी पा नी सा, उसके बाद गा मा गा सा, वो लाइन आती है हिंदुस्तानी, तो गा मा गा सा ये ऐड कर देना है। फिर से देखते हैं, गा मा गा सा नी पा नी सा गा मा गा सा, तो ये ऐसे बजेगी, गामा गासा पार्ट छोड़ भी दें तो ये लाइन हम ऐसे बजा सकते हैं क्योंकि वो ओवरलैप हुआ है। गामा गासा नी पानी सा, ये टू टाइम्स प्ले होने के बाद अब अंतरे की शुरुआत होती है। अंतरा हमारा प्ले होगा गासा नी धानी सा गासा नी धानी सा गासा, सेकंड स्ट्रिंग ओपन बज रहा है गा, थर्ड स्ट्रिंग ओपन बज रहा है सा, तो गा सा नी और ये बज रहा है कोमल नी, गा सा नी धनी सा गा सा नी धनी सा रे सा नी रे सा नी धनी धा पा धा पा गा मा गा, रे सा नी रे सा नी धनी धा पा धा पा गा मा गा। उसके बाद यही लाइन हम मिडिल ऑक्टेव से बजा देंगे, गा सा नी धानी सा गा सा नी धानी सा रे सा नी रे सा नी धानी धा पा धा पा मा पा गा। तो यहाँ हम जी मेजर पर रुक जाएंगे। उसके बाद एक लाइन दूसरी आती है, ये बजेगा मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 पा मा मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 सा सा। उसके बाद यहां से फिर वो लाइन कनेक्ट हो जाएगी, पानी सा सा नी मा मा गा पा। तो जब हम ये वाली लाइन बजा रहे हैं तो हमें ये फिंगर अपनी यहाँ पर थ्री स्ट्रिंग्स को तीनों दबा लेना है और तब बजाएंगे, मतलब बज रहा है ये मा पा नी मा पा नी, तो मा और पा एक ही स्ट्रोक में आ जाएगा, मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 पा मा मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 सा सा। तो ये हमें इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर रख कर बजाना है जिससे कि सारी स्ट्रिंग साथ में बजती रहे। तो मा पा नी मा पा नी मा पा नी, और स्लो में देखते हैं, मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 पा मा मा पा नी मा पा नी मा पा नी 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 सा सा। और उसके बाद हमें ये लाइन फिर से कनेक्ट कर देनी है, पा नी सा सा नी मा मा गा मा, पा नी सा सा रे नी मा मा गा रे पर जी मेजर कॉर्ड आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न हम कौन सा यूज करेंगे। स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम यूज करने वाले हैं उसमें टोटल 8 काउंट हैं और वो 8 काउंट दो फ्रेज में बजेंगे और दोनों बार स्ट्रोकिंग बिल्कुल सेम रहेगी, बस टाइमिंग फर्क है। देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ ऐसे बजेगा। इसमें पहला स्ट्रोक हम ले रहे हैं अप स्ट्रोक किक के साथ, मतलब ये हमें यहां पर मारना है और अप स्ट्रोक भी लेना है, तो हो गया 1 नंबर। सेकेंड स्ट्रोक हमें सिर्फ अप स्ट्रोक लेना है। थर्ड नंबर स्ट्रोक हम स्नेयर का ले रहे हैं और स्नेयर पर एक नोट भी बजेगा साथ में, तो कुछ ऐसे मारना है 3 की नोट की साउंड भी आए और स्नेयर की भी आए 3। और 4 नंबर हमें अप स्ट्रोक लेना है, तो 1 2 3 4। ये तो हो गया एक फ्रेज, और दूसरे फ्रेज में भी सेम स्ट्रोकिंग करनी है बट उसकी टाइमिंग अलग है थोड़ी सी। पहले की टाइमिंग है 1 2 3 4 1 2 3
को थोड़ा फास्ट कर देना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको जब हम इस पर अप्लाई करेंगे अपने सॉन्ग पर तो कुछ ऐसा आएगा। जाएगी इसकी स्ट्रोकिंग, और बीच बीच में जहां पर स्पेस मिल रहा है वहां हम एक और स्ट्रमिंग इसमें यूज कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे बज रही है, किक अप स्लैप अप डाउन। ये मैं किसी और लेसन में भी बता चुका हूं, वो यहां पर भी यूज हो रही है, किक अप स्लैप अप डाउन। तो दो बार अप स्ट्रोक है, एक बार थंब से अप लेना है और एक बार फिंगर से अप है। फिर से देखते हैं, किक दिया, अप स्ट्रोक लिया, स्लैप then up stroke and down, तो kick up step up down, kick up step up down। अब ये हम कहां कहां यूज करते हैं देखते हैं, काफी जगह थी यहां जी मेजर कॉर्ड पर, तो हमने यही स्ट्रमिंग यूज की, किक अप स्लैप अप डाउन, किक अप स्लैप अप डाउन, किक अप स्लैप अप डाउन। तो जब तक मैं फास्ट नहीं बताऊंगा ये समझ में नहीं आएगा, अगर मैं स्लो बताऊंगा किक अप स्लैप अप डाउन तो उसको समझ पाना मुश्किल है, इसलिए जानबूझ के मैं इसको स्पीड में बता रहा हूं, किक अप स्लैप अप डाउन, किक अप स्लैप अप डाउन, किक अप स्लैप अप डाउन। तो यहां से देखते हैं, दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करके हम ये सॉन्ग कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा, अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही नए फिंगर स्टाइल गिटार के लेसन देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपर वोकल।